नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। थाला के नजदीकी ग्राम भेरुंदा में शुक्रवार शाम 4 बजे के करीब अपने ही घर के सामने खेलते हुए अचानक लापता बालक शाहिद मोहम्मद निवासी होली धड़ा भेरुंदा का 24 घंटे बाद पानी के हौद में तैरता हुआ शव मिलने के मामले में जबरदस्त तुल पकड़ लिया है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि शुक्रवार शाम 4 बजे 13 वर्षीय साहिद पुत्र सलीम मोहम्मद होली धड़ा भेरुंदा निवासी अपने रहवासी मकान के आसपास ही अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जब शाम को 7 बजे तक शहीद घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने स्तर पर अपने परिचितों के साथ मिलकर शाहिद की खोजबीन चालू की। देर रात तक नहीं मिलने की स्थिति में उसके चाचा ने थामला थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर थामला थाना अधिकारी हीरालाल वर्मा में टीम के मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शाहिद के लापता होने के करीब 24 घंटे बाद लापता बालक केशव का निर्माणधीन मकान के पानी में हौद तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसी बीच सूचना मिलने पर थामला थाना अधिकारी में पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकालते हुए अपने कब्जे में लिया। शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थामला में रखवाया गया। परिजनों को हत्या की आशंका होने पर स्पेशल टीम बुलाकर अनुसंधान करवाने की गुहार लगाई गई। परिजनों की मांग पर FSL विशेषज्ञ मूलाराम चौधरी नागौर और थावला थानाधिकारी हीरालाल वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर बारीकी से जांच करते हुए परिजनों को निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उसके बाद सबका पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। मनसाराम कोद, लक्ष्मण फारूक, साई रशीद, आबिद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। शुक्रवार की शाम को लापता हुआ बालक मिला होद में तैरता हुआ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज आपको मैं लाइव तस्वीर दिखाने जा रहा हूं भेरुंदा कस्बे की, जहां पर शुक्रवार शाम 4 बजे के करीब अपने दोस्तों के साथ में खेलता हुआ शाहिद मोहम्मद अचानक लापता हो गया। उसके परिजनों द्वारा अपने स्तर पर खोजबीन करने के बाद में देर रात्रि थावला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। थावला थानाधिकारी हीरालाल वर्मा ने बहुत ही तेज गति से अनुसंधान जारी करते हुए और उन्होंने खोजबीन जारी की। 24 घंटे बाद में किसी व्यक्ति द्वारा ये जो आप मेरे पीछे हौद देख रहे हैं, इस हौद में एक बच्चा तैरता हुआ दिखाई दिया, जिस पर उनके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना देने के साथ ही यहां पर भीड़ जमा हो गई। थावला थानाधिकारी हीरालाल वर्मा की मौजूदगी में शव को बाहर निकालकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम होना था, लेकिन परिजनों के मुताबिक स्पेशल टीम बुलाकर पोस्टमार्टम करवाना उचित समझा और आज नागौर से एक स्पेशल टीम मौके पर पहुंची है, जो यहां भेरुंदा कस्बे में एक निर्माणाधीन मकान के हौद पर ये पूरी टीम यहां पहुंची है। और इसके साथ में जैसे सूचना मिली, आसपास के लोग और ग्रामीण भारी मात्रा में यहां पर पहुंच गए हैं। आप देख पा रहे कि किस प्रकार से स्पेशल टीम द्वारा अनुसंधान जारी है। थावला थाना अधिकारी हीरालाल वर्मा मई टीम इस मौके पर है। इस हौद का पानी जो कि करीब 6 से 7 फीट तक का था, उसको खाली करवाया गया है और अभी मौके पे मौजूद टीम और ग्रामीणों की भारी मात्रा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। किस प्रकार से आगे के जो अनुसंधान है उसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं, ये बैक साइड में हौद है, पानी का टैंक जो पूरी तरह से अभी खाली कर दिया गया है। आप भीड़ देख पा रहे हैं, लोगों का जो आक्रोश है वो अभी भी उनमें व्याप्त है। इन लोगों का कहना है कि इस बच्चे ने अपनी मर्जी से इस हौद में छलांग लगाना ये मुमकिन नहीं है, इस घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन यहाँ जो टीम पहुंची है वो निष्पक्ष जांच करने में जुटी हुई है। बहुत जल्दी इस परिवार को न्याय मिलने वाला है और न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ पर जो माहौल आपको दिखाया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक मासूम की जान चली गई है। उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जब उनके हाथों में एक मासूम 13 वर्षीय शाहिद मोहम्मद का शव।
हमारी ये डिमांड है साहब, कुत्ता आता है जिसमें हमारे को जूते नहीं मिले, लोकेशन पे जाके सारे परिवार वालों ने देख ली, जूते नहीं मिलने की वजह से हम कुत्ते की मांग करते हैं और कुत्ता प्रशासन वाले ले आए और हमें एक हेल्प मिल जाती है कड़ी ढूंढने की, एक उस माध्यम से हम पहुंच सके आगे जांच में कि भाई इस माध्यम से एक जूते मिल गए या आगे जुड़ने की प्रक्रिया हो सके। हमारे बच्चा की न्याय आनी चाहिए, जांच आनी चाहिए सही, भाई कहन हमारे बच्चा को हास हुई है और कहीं श्याप हुई हो, एक ही मन जांच सही है, इस पर जांच और न्याय मिलना, न्याय मिलना चाहिए। मैंने बच्चों आपका कहीं लागत मारा पोतो है, मैं दादाजी हूँ।